इफ एल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड एल्फा माइनस वन बीटा माइनस वन। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले जो इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं, 5x² + 5x + 1। अब यहां से जब एल्फा प्लस बीटा लिखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी बाई ए से माइनस 5/5 मीन्स माइनस वन, और एल्फा इंटू बीटा लिखोगे तो क्या आ जाएगा, सी बाई ए से 1/5। इसी दोनों वैल्यू को हम लोग यूज करेंगे इनको कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम ए का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं जिसमें एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पे एल्फा प्लस बीटा का हम लोग यूज करते हैं होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये वैल्यू आपको बतानी है, इसलिए हो जाएगा एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब ये और ये दोनों रिलेशन आपको पता है, इसकी वैल्यू यहाँ पे यूज कर लीजिए। तो एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस वन है तो इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस टू इंटू एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/5 है, इसको यूज कर लिया, ये आ जाएगा 1 - 2/5, यानी ये हो जाएगा 5 - 2/5 मीन्स 3/5। दिस वन इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड पार्ट के। अब सेकेंड पार्ट में आपको बताना है एल्फा माइनस वन प्लस बीटा माइनस वन, ये इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल, मीन्स ये 1/α है और ये 1/β है। इसको एलसीएम से सिंप्लीफाई करोगे तो नीचे आएगा एल्फा इंटू बीटा, ऊपर आएगा एल्फा प्लस बीटा, इसी वैल्यू को आपको यूज करना है। तो एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस वन है, एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/5 है, इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा -5। कैसे आएगा, इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना है तो -1 × 5/1 करोगे, आंसर -5 आ जाएगा। तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया।